गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाउचीरिया में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचीरिया। वाउचीरिया में विषम युग्मकी लैंगिक जनन होता है, यानी ऊगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एक गैमीट कम से कम नॉन मोटाइल होता है, जो फीमेल गैमीट होता है, और मेल गैमीट मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकता है ऊगैमस में, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेल गैमीट मोटाइल होता है वाउचीरिया में। तो इस प्रकार ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक जनन। नर व मादा जननांग सुस्पष्ट होते हैं, एंथीरिडिया और ऊगोनियम कहलाते हैं। अधिकतर जातियाँ उभय लिंगाश्रयी होती हैं, यानी मोनोएशियस होती हैं और समजालिक होती हैं, होमोथैलिक होती हैं, यानी एक ही थैलस के ऊपर दोनों एंथीरिडिया और उगोनिया बनते हैं। कुछ जातियाँ एक लिंगाश्रयी भी होती हैं, यानी डायोएशियस होती हैं, विषमजालिक होती हैं, यानी एंथीरिडिया और उगोनियम अलग अलग थैलस पर बनते हैं। विभिन्न जातियों में पुंधानी और अंडधानी के विन्यास, जो उनका अरेंजमेंट है थैलस के ऊपर किस तरह से लगते हैं या बनते हैं, उनकी पोजीशन, उनका विन्यास, वो अलग अलग होता है, और जननांगों की विशेषता के आधार पर ही जातियों की पहचान होती है। कुछ जाति में एंथीरिडिया और उगोनिया एक एक साथ साथ मिलते हैं, कुछ जातियों में एक गुच्छे में मिलते हैं एंथीरिडिया और उगोनिया, कई जाति में एक एंथीरिडियम होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारी उगोनियम लगती हैं, कुछ जातियों में एवरंथ होता है, कुछ में सेवरंथ होता है, तो किसी में साइड साइड में एक साथ लगती हैं एंथीरिडिया और उगोनिया। तो इस तरह से अलग अलग जातियों में अलग अलग उनका अरेंजमेंट हो सकता है। तो आपको बहुत सारे डायग्राम चित्र जो दिखाई देंगे उसमें एंथीरिडिया उगोनिया की पोजीशन अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि वो अलग अलग जातियों के चित्र होते हैं। पुंधानी नलिका हुक के समान होती है, ट्यूब जैसा होती है, नलिकाकार होती है और हुक जैसे मुड़ा हुआ कर्व्ड होता है, और व्रंत वाली होती है और एकल या गुच्छे में हो सकती हैं, और अंडधानी ज़्यादातर गोल या अंडाकार होती है और ज़्यादातर सेसाइल एव्रंथी होती है या कोई छोटा सा व्रंथ हो सकता है, और एंथीरिडिया के साइड में ही एक अतिवृद्धि के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं वाउचीरिया का जो थैलस है वो ट्यूबुलर है, ट्यूब जैसा है, शाखित है, लेकिन इसमें पट नहीं है, सेप्टा नहीं है, सीनोसिटिक थैलस है, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स के समय इसमें सेप्टा बनते हैं, जैसे एंथीरिडियम के आधार पर और उगोनियम के आधार पर यहाँ सेप्टा पट निर्माण हो रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं उगोनियम गोल संरचना है और एक इसमें साइड में थोड़ी चोंच निकली हुई है, और एंथीरिडिया में ये ट्यूबुलर हुक शेप की संरचना है, और इस प्रकार ये पास पास ही एक साथ साथ ही लगी हुई है, एंथीरिडियम के पास ही उगोनियम लगी हुई है, बनी हुई है। यहाँ पर पुंधानी की संरचना, पुंधानी जो है वो मुख्य तंतु पर पाई जाती है और अधिकतर नलिकाकार होती है, जैसा अभी इसमें चित्र में बताया। अलग अलग जातियों में अलग तरीके से भी हो सकती है, कि गुच्छे में भी हो सकती हैं बहुत सारी पुंधानियाँ, एक कॉमन स्टॉक होता है और उसके ऊपर बहुत सारी एंथीरिडिया भी लगे हो सकते हैं किसी में, और किसी में एक साइड में थोड़ी सी व्रंथ होता है और उसके ऊपर पुंधानी लगी होती है। तो पुंधानी जब शुरू होती है तो मुख्य तंतु से एक निकल सकती है या साइड में एक लैटरल ब्रांच के रूप में उभार उत्पन्न होता है, और उस वो उभार वृद्धि करता जाता है और एक नलिका का बन जाता है, नलिका के आकार का बन जाता है,
और इसका जो दूरस्थ किनारा है, दूर वाला जो किनारा है, उसमें बहुत सारा घना जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और फिर बाद में उस वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दूरस्थ सिरा है, वो एक पट निर्माण हो जाता है उसमें, वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से वो मेन जो तंतु है उससे अलग हो जाता है एंथेरिडियम पट निर्माण द्वारा। अब ये जो एंथेरिडियम है हुक शेप का, ट्यूबुलर शेप का, उसमें बहुत सारे जो केंद्रक हैं वो हर एक केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। और हर एक जो जीव द्रव्य वाला एक एक केंद्रक वाला जो जीव द्रव्य है वो एक द्विकशाभिक परमाणु में रूपांतरित हो जाता है। हर एक जो खंड है, सेगमेंट है, वो द्विकशाभिक परमाणु बन जाता है। और फिर उसमें से ये जो एंथेरिडियम है उसमें बहुत सारे परमाणु बन जाते हैं और वो बाहर छेद के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो छेद अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके से होता है। किसी में टॉप पर हो जाता है छेद, किसी में साइड में बहुत सारे छेद हो जाते हैं, या किसी में दरार हो जाती है। इस तरह से ये एंथेरिडियम में से सारे जो परमाणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर ये तैर कर फ्लैजेला के द्वारा तैरते हैं और गति करते हैं और अंडधानी तक पहुँचते हैं। तो एक जो परमाणु है वो नाशपाती के आकार का होता है और उसमें दो फ्लैजेला होते हैं। आगे वाला फ्लैजेला छोटा होता है और टेंसल होता है, यानी रोएदार होता है, और पीछे वाला जो फ्लैजेला है वो बड़ा होता है और वो व्हिप्लश प्रकार का होता है, यानी स्मूथ होता है, उसके ऊपर रोएं नहीं होते हैं। तो इस तरह से दो कशाभिकाएं होती हैं, दो असमान कशाभिकाएं पाई जाती हैं और थोड़ी सी लेटरल साइड में पाई जाती हैं, मतलब टिप से थोड़ा सा नीचे की तरफ होती हैं वो साइड में। तो ये क्लोरोफाइसी से इस तरह से अलग है। क्लोरोफाइसी में एपेक्स पर एंटीरियर साइड में होती हैं फ्लैजेला, जबकि यहाँ पे लेटरल साइड में है। और क्लोरोफाइसी में दोनों फ्लैजेला समान लंबाई के होते हैं और दोनों व्हिप्लश प्रकार के होते हैं, जबकि यहाँ पर असमान लंबाई के हैं और दोनों अलग तरीके हैं, एक टेंसल है और एक व्हिप्लश प्रकार का फ्लैजेला है। तो ये अंतर है, इसलिए इसको हेटरोकॉन्ट भी कहते हैं। हेटरोकॉन्ट मीन डिफरेंट, कॉन्ट मीन्स फ्लैजेला। तो फ्लैजेला जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और आइसोकॉन्ट होता है जो एक जैसे फ्लैजेला होते हैं, जिसमें तो सम कशाभिक हो गए और ये हो गया विषम कशाभिक। तो यहाँ परमाणु में विषम कशाभिकी परमाणु होता है। अंडधानी का परिवर्धन भी पुंधानी के पास ही होता है। पुंधानी के पास में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म क्लियर सा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सा क्लियर हो जाता है, एक उभार सी बनती है और उसमें बहुत सारा केंद्रक, क्रोमेटोफोर, तेल बिंदु, ये सब पाए जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंट सा जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है, इसको वेंडर प्लाज्म कहते हैं। वेंडर प्लाज्म फिर ये वृद्धि करता है, ये जो उभार है बढ़ता जाता है, वेंडर प्लाज्म जो जीवद्रव्य है उसमें आगे बढ़ता चला जाता है, मूव करता चला जाता है, इसलिए इसको वेंडर प्लाज्म कहते हैं। वेंडर करता है, ये चलता जाता है और फिर ये गोल सी संरचना बन जाती है गोनियम की, और उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, क्रोमेटोप्लाज्म होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारा ऑयल फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो और फिर बाद में बहुत सारे न्यूक्लियस में से एक ही न्यूक्लियस यहाँ बचा रहता है और ये जो जीव द्रव्य है वो सारा गोलाकार हो जाता है, ओवम बन जाता है इस तरह से, और बाकी सारे न्यूक्लियस हैं वापस ट्यूब में वापस भेज देते हैं। वो जो थैलस है वापस भेज देता है और एक को अंदर रखता है, तो वो अंडा बनता है, वो अंडे का न्यूक्लियस होता है। इस प्रकार जो
उगोनियम है, उगोनियम में भी फिर पट बन जाता है, जो मेन जो तंतु है उससे अलग हो जाती है, और ये गोलाकार संरचना होती है, और एक उसमें न्यूक्लियस होता है, एक अंडा होता है, बड़ा सारा अंडा होता है, पूरा साइटोप्लाज्म का एक गोला बन जाता है, और इसमें एक साइड में एक चोंच होती है थोड़ी सी, वहाँ पे क्लियर सा ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म होता है, उस चोंच वाली जगह से ही एक छेद बन जाता है, और उसमें से म्यूसिलेज बाहर निकलता है, जो कि अट्रैक्ट करता है एंथेरोजॉइट्स को, वहीं से फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर एंथेरोजॉइट प्रवेश करते हैं उगोनियम के अंदर। तो निषेचन के समय अंडधानी में यहाँ जो चोंच वाली जो जगह है वहीं से वो निकलता है, कुछ द्रव्य निकलता है, केमिकल पदार्थ निकलते हैं, जिससे आकर्षित होकर वो एक बहुत सारे आकर्षित होकर बहुत सारे परमाणु आते हैं, लेकिन अंदर एक ही परमाणु घुसता है, एक जैसे ही एक परमाणु अंदर घुसता है इस चोंच वाले स्थान में से, तो बाकी जो ओवम है, जो अंडा है, उस अंडे के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है सी। अभी तक सेल वॉल नहीं थी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन थी, और जैसे ही एक परमाणु प्रवेश करता है इस ओवम के अंदर, और ये चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है, और बाकी सारे जो हैं वो परमाणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं उसमें। और फिर जो परमाणु का जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है ओवम के न्यूक्लियस की तुलना में, तो परमाणु का न्यूक्लियस भी साइज़ में बढ़ता है, और साइज़ में बढ़ने के बाद फिर इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, परमाणु के न्यूक्लियस का और ओवम के न्यूक्लियस का, तो इस तरह से जाइगोट बन जाता है, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है, और इसके साथ ही जो ये ग्रीन कलर का थैलस था, और ये जो वो अंडदानी थी उगोनियम, ये भी ग्रीन कलर की थी, और सॉरी, तो ये लाल रंग की होने लग जाती है फिर, तो यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट जो थे उसमें चेंज होने लग जाता है, और क्लोरोफिल की बजाय इसमें जो हिमेटोक्रोम्स हैं वो बनने लग जाते हैं, और लाल रंग का होता है, तो इसके अंदर बहुत सारा भित्ति है, बहुत मोटी होती है, और बहुत सारे सॉरी बहुत सारे रंग वाली ये जो भित्ति है इसके अंदर बहुत सारी परत होती हैं, और बहुत सारा तेल वगैरह इसमें पाया जाता है, संचित भोजन होता है, और ये लंबे समय तक विश्राम अवस्था में रहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा भोजन होता है, मोटी भित्ति होती है, तो ये लंबे समय तक रह सकता है ऐसे, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसमें अंकुरण हो जाता है। ये आपको चित्र दिखाया, इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथीरिडियम, वो ट्यूबुलर है और हुक शेप का है, और उसके नीचे ही ये वेंडर प्लाज्म उत्पन्न हो रहा है, ये क्लियर सा जो ट्रांसपेरेंट सा प्रोटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे फिर वो बढ़ने लगता है, और वो गोल शेप का हो जाता है, और इस तरह से ये एंथीरिडियम के पास ही विकसित होता है, और इसमें एंथीरिडियम से एंथेरोजॉइड निकलते हैं बहुत सारे, और एक एंथेरोजॉइड प्रवेश करता है उगोनियम के अंदर, और इस प्रकार से जाइगोट बनाता है। ये और चित्र दिखा रखे हैं समझाने के लिए कि किस तरह से उगोनियम और एंथेरिडियम बिल्कुल पास पास आते हैं, और मैच्योर होने पर वो और अधिक नज़दीक आ जाते हैं, और जिससे कि एंथेरोजॉइड हैं वो उगोनियम में आसानी से प्रवेश कर सकें और फर्टिलाइजेशन कर सकें। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऊस्पोर बना है वो मोटी भित्ति वाला होता है और रेस्टिंग स्टेज में होता है, और जब रेस्टिंग स्टेज ख़त्म होती है
और नया अंकुरण शुरू होता है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से एक न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है और उसके अर्धसूत्री विभाजन से चार न्यूक्लियाई बने, और फिर इन चारों न्यूक्लियाई के वापस फिर माइटोसिस होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और फिर ये पानी सोख के फूल जाता है और वृद्धि होती है, इसकी साइज़ में बड़ा होता है, और इस तरह से इसके जो चारों तरफ जो भित्तियाँ होती हैं उस स्पोर की वो फट जाती हैं और उसमें से ट्यूब के रूप में साइटोप्लाज्म बाहर निकलता है, और शुरू की कुछ शाखाएं होती हैं वो हेप्टेरोन का काम करती हैं और वो राइजोइड की तरह से होती हैं, भूमि में लगाए रखती हैं उनको। उसके बाद ये पूरा थैलस ट्यूब के रूप में वृद्धि करता है और नया थैलस बन जाता है वाउचीरिया का। तो वाउचीरिया की लाइफ साइकिल भी हेप्लॉन्टिक है, इस प्रकार अगुणित की है, यानी सारी जो जीवन की अवस्थाएं हैं वो हेप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं, सिर्फ जो ऊस्पोर है वो ही द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, और जैसे ही ऊस्पोर का जर्मिनेशन होता है वापस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित अवस्था आ जाती है। तो ये एक चित्र में दिखा रखा है लाइफ साइकिल वाउचीरिया की। वाउचीरिया में ऊपर वाला जो ये जो चित्र है, ऊपर वाले एरो जो दिखा रखे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, अलैंगिक जनन सिंजोस्पोर के द्वारा है, एप्लानोस्पोर के द्वारा है तथा एकाइनिट के द्वारा है। तो किसी भी विधि के द्वारा वापस वही वाउचीरिया का थैलस बन जाता है। नीचे वाला जो चित्र है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शा रखा है, जिसमें वाउचीरिया के थैलस से एंथेरिडियम और गुगोनियम स्ट्रक्चर बनती हैं जो कि जनन अंग हैं, उनमें स्पर्मेटोजॉइड या एंथेरोजॉइड बनता है और गुगोनियम में एग बनता है, उनके फ्यूज़न से सिनगेमी होती है उसमें, और जाइगोट डबल 2n क्रोमोसोम डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है जाइगोट का, और यही एकमात्र डिप्लॉइड अवस्था होती है वाउचीरिया में। उसके बाद पुनः अंकुरण के समय मेयोसिस हो जाता है, जिससे वापस हैप्लॉइड नंबर प्राप्त होता है न्यूक्लियस का, और जर्म ट्यूब के द्वारा वापस पुनः थैलस बन जाता है जो कि नलिकाकार और पट विहीन थैलस होता है वाउचीरिया का। थैंक यू।